बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, हम लोग 6th चैप्टर कर रहे थे जनरल मैथ का, क्लास 10, और इसकी हमने 6.2 एक्सरसाइज आई थिंक कर ली थी, और 6.3 मेरा ख्याल है आज करनी है हमने, देख लेते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि दो कालब अगर हों हमारे पास तो उनको हमने ज़रब कैसे देनी है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक कालब को दूसरे कालब से कैसे मल्टीप्लाई करवाना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं चुके पूरी पूरी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये ज़ाहिर है इस दफ़ा जिन बच्चों ने 2021 में पेपर देने हैं 10th क्लास के, तो वो अपने सिलेबस को देख लेंगे, स्मार्ट सिलेबस को, और उसमें से जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनको टिक कर लेंगे, कर लिया होगा तो वो फिर वीडियो में से वो सवाल निकाल के अपने तैयार कर लेंगे। बाकी ज़ाहिर है फिर सारी सारी जो एक्सरसाइज है वो की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो अभी जो बच्चे तैयार कर रहे हैं यानी 2021 के पेपरों के लिए, तो वो फिर जाहिर है कि उनमें से चूज़ कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से हैं। तो चले हाँ शुरू करते हैं। सो दो कालबों को ज़रब कैसे करना है जी, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके लिए देखें अगर दो कालब हैं आपके पास ए और बी, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो पहला कालब है ना ए, उसका आप मरतबा लिख लें, ऑर्डर लिख लें, और बी वाला जो है उसका मरतबा लिख लें। मरतबा वही था कि उसमें कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, वो हमने लिख लेना। तो इसका एक टोटका ये होता है कि इधर से ये अंदर वाली चीज़ और इधर से ये अंदर वाली चीज़ ये बराबर होने चाहिए, या ये कह लें कि जो पहले के कॉलम हैं और जो दूसरे की कतारें हैं वो बराबर हों आपस में, तो फिर हम ज़रब दे सकते हैं। ठीक है, ये भी है। और अगर ये बराबर ना हो तो फिर ज़ाहिर ज़रब नहीं दे सकते। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से कालब आपस में ज़रब खा सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते ज़रब। तो ये मैंने साथ लिख भी दिया है कि पहले कालब की पहली कतार को, अब तरीका जो है वो ज़रब देनी कैसे है, कि हमने क्या करना है, पहले कालब की पहली कतार को दूसरे कालब के पहले कॉलम से ज़रब दें। ये भी आगे सवाल आता है ना, तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाऊँगा कि कैसे होता है। कि पहले जो हमारा कॉलम है ना उसकी हमने ना ऐसे करके कतार ले लेनी है, और अगले वाले का ऐसे करके कॉलम ले लेना है। तो कतार को कॉलम से हमने ज़रब दिलानी है। वो है आगे देखते हैं कि कैसे होना है उसने, आगे चलते हैं। इसमें कुछ कवानीन हैं, ठीक है, कानून तलाज़म। तलाज़म मैंने पहले भी बताया हुआ है कि तलाज़म का कानून तब आता है जब तीन तीन चीज़ें हों, चाहे सेट्स के अंदर हो चाहे ये मैट्रिसेस के अंदर हो। तो तीन चीज़ें ए बी सी, तो तलाज़म तीन चीज़ें, ये याद रखें। तो ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, ज़ाहिर तरतीब आगे पीछे करनी होती है। इधर पहले बी सी को ज़रब दे रहे होते हैं, इधर ए बी को ज़रब दे रहे होते हैं, तो दोनों साइडें इक्वल आती हैं। कानून तलाज़म बिल लिहाज़े ज़रब, ये ज़रब का निशान है मल्टीप्लिकेशन का। और एक कानून मुबादला भी होता है। मुबादला ज़ाहिर है वो कि जिसमें दो चीज़ें होती हैं ए और बी। लेकिन ये आपने यहाँ याद रखना है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ ए और बी की मल्टीप्लिकेशन या बी और ए की मल्टीप्लिकेशन ये बराबर नहीं होती। क्योंकि आम रूटीन में अगर आप दो को तीन से ज़रब देते हैं तो फिर छः आता है, और तीन को दो से ज़रब देते हैं तो फिर भी छः आता है, तो वो बराबर होता है। लेकिन ये कालबों के अंदर ऐसा नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पर हमने ये लाइन देखे लगाई हुई है कि ये बराबर नहीं आते, कानून मुबादला इसमें होल्ड नहीं करता। फिर एक दो और कानून है, कानून तकसीमी जिनको कहते हैं। कानून तकसीमी क्या है कि ए है और उसके अंदर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो प्लस हो रहे हैं अंदर लेकिन बाहर ए से ज़रब खा रहे हैं, तो हम ए से बी को ज़रब देंगे, ए को सी को ज़रब देंगे। तो ये इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये कानून तकसीमी कहते हैं। तो इनकी तरतीब भी चेंज हो सकती है, ए प्लस बी इधर भी हो सकता है। तो बहरहाल ये, और एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉरी और ऊपर ले गया, कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये भी बात सवालों में आता है प्रूफ करने के लिए, कि आप ए बी को ज़रब देते हैं और उसका ट्रांसपोज लें, तो यहाँ आप पहले उनके ट्रांसपोज ले लिए हों और फिर उनको आपस में ज़रब दें, तो फिर भी आंसर सेम आता है। तो ये कुछ कानून जो हैं वो जेहन में रखने हैं हमने, और फिर हमने एक्सरसाइज करनी है। अब आ जाएं असल ज़रब करते हैं कैसे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कालबों के अंदर आपको ज़रब देनी आती है ना, तो आप समझें कि 60-70% आपको कालब आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखें होगा क्या। ये ए कालब दिया हुआ है, ये बी कालब है, ये सी कालब है, और हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये तीनों कालब जो हैं 2x2 के हैं। इन तीनों का अब जो मरतबा है 2x2 का है, ठीक है। सो इसलिए ये ज़रब होनी है इनकी सारी आपस में, हो सकते हैं। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, और ये भी 2x2 है, अब मरतबा इनका। और हमने साबित क्या करना है जी, कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है।
यानी वही बात कि हमें ए बी मालूम करना है, लेफ़्ट हैंड साइड यानी ए और बी को हमें ज़रब दिलानी है। तो देखें जी, हमने ए को लिख लिया पहले, बी को आगे लिख लिया। तरतीब बहुत ज़रूरी है, अगर ए बी है तो ए पहले है, तो हमने ए कालब को भी पहले रखना है। ओके, अब देखें ज़रब कैसे। ये पहली कतार है, चार और दो, ये इसका पहला कालम है अगले का, दो और दो। तो हमने इस कतार को इस कालम से ज़रब देनी है। कैसे? कि पहले रुकन को पहले से ज़रब दें, दूसरे को दूसरे से ज़रब दें और बीच में प्लस का निशान लगाएं। तो देखें, चार ज़रब दो, ये लिखा चार ज़रब दो, फिर दो ज़रब मनफी दो, वो लिख दिया बीच में प्लस का साइन। अब इसी कतार से अगले कालम के पास जाना है, तो चार को एक से, दो को चार से, ये देखें हमने लिखा है चार को एक से, दो को चार से, बीच में प्लस। तो इस कतार से पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, तो वो हमने ऐसे ऐसे लिखते जाना है। जब तक ये पहली कतार है ना, तब तक आपने इधर भी पहली कतार के अंदर ही रहना, ठीक है। अब जब ये कतार ख़त्म हो गई, क्योंकि इसने इससे भी ज़रब खा ली, इसने इससे भी ज़रब हो गई, तो आगे तो और कोई कालम नहीं है, तो अब इस अगली कतार के पास चले जाएंगे, भाई अब तुम आ जाओ। तो रूटीन वही है, इस कतार को लेना है और इस कॉलम से ज़रब दिलानी है। अब चूंकि नीचे आ गए हैं, तो इधर से भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ज़ीरो ज़रब दो और ज़ीरो ज़रब दो, तो वो देखें लिखा बीच में प्लस का साइन, फिर इसी के साथ अगले को, और इधर भी आगे आ जाएं, तो ज़ीरो ज़रब एक और ज़ीरो ज़रब चार, वो लिख लिया। ये असल काम है, ये ध्यान से कर लें तो आगे से काम ईजी हो जाता है। अब ज़ाहिर ज़रबें देनी है, चार दो बार आठ, दो दो बार चार, माइनस है तो माइनस सात, चार एक बार चार, दो चार बार आठ, ये आगे बच्चों वाला काम है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो आठ में से चार निकाले, चार आठ और चार बारह, नीचे वाले दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया, सही हो गया। अब एक दफ़ा और ज़रा प्रैक्टिस कर लें, ज़रा समझ आ जाए, और ज़ाहिर है ये एक दफ़ा समझ आ गई तो आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्लियर। सो दो को चार से, एक को ज़ीरो से, वो मैंने लिखा है, फिर दो को दो से और एक को ज़ीरो से, ये लिखा, यानी वही पहली कतार अगला कॉलम, पहली कतार उससे अगला कॉलम। अब इस कतार पे आ जाएंगे उसी पहले कॉलम के साथ, वो हम यहाँ आ जाएंगे नीचे, और इसी कतार के साथ अगला कॉलम, तो वो यहाँ आ जाएंगे, और फिर इनको ज़रबें ज़रबें दिला के अगले स्टेप में हम इनको लिख लेंगे। ये लिख लिया और ये आंसर आ गया, और ज़ाहिर है कि ये दोनों आंसर सेम नहीं आए, तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आए, तो नॉट इक्वल टू, ये वही कानून मुबादला जो है वो बराबर नहीं होता ज़रब के अंदर, ठीक है। अब एक और इसके अंदर सवाल था, अब ये सारे मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस है बार बार। अब देखें ये वाला थोड़ा बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें दो दो दफ़ा ज़रब देनी पड़नी है। पहले ए बी लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम ये वाली करने लगेंगे, तो उसमें हमें पहले ए बी निकालना है, क्योंकि ब्रैकेट पहले करते हैं। तो ए और बी को लिख लें, ठीक है, और उसको ज़रब दिला दें, और चूंकि हमने पीछे कर ली है ज़रब, वो दिलाई है पिछले सवाल में, तो वही जो ए बी का आंसर आया वह 4 12 02, मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एक दफ़ा पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको ए बी को सी से ज़रब देनी थी, वो मैंने कर दी है, क्योंकि ए, अब देखें वही बात, ए बी पहले है, तो ए बी का जो आंसर आया हुआ वो पहले लिखें और सी को आगे लिखें, और वही रूटीन दोहराएं कि पहली रो पकड़ें अगले कॉलम के साथ ही, इसी रो को अगले कॉलम से वो यहाँ आ जाएंगे, फिर एंड सो ऑन सो ऑन, आपको पता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरह से ये आंसर इसका आ जाएगा 44 32 00, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब जब हमने राइट हैंड साइड हल करने लगी है लगना है सॉरी तो उसमें ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में क्या है, बी सी, तो पहले बी सी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको ए के साथ, तो ये हमने अगले पेज पे किया हुआ है। तो ये देख लें, तो ये राइट हैंड साइड हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, बी सी पहले कर रहे हैं, बी लिखा, सी लिखा, उसी तरह से ज़रबें ज़रबें, ठीक है, ज़रबें दे रहे हैं। यहाँ 16 है, गलती लगी थी, तो 16 है ये वाला, ठीक है, और वही बात प्लस माइनस करेंगे, तो ये बी सी का आंसर ये आ गया। अब चूंकि देखें ये असल बात ध्यान रखने वाली कि ए इंटू बी सी है, तो ए पहले है ना, तो ए का मैट्रिक्स पहले लिखें, और बी सी आगे है तो बी सी को आगे लिखें, और फिर उसी तरह ज़रब दे दें, तो ज़रब दे दिला के देखें वही आंसर आ रहा है 44 32 00, जो पहले वाले पार्ट का लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था। तो फिर इससे साबित हो जाता है कि हमारी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर हैं, तो दोनों आंसर सेम आ गए, ठीक हो गया। एक और मैंने ये किया हुआ है, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं और हर एक में वही चीज़ है, प्लस माइनस और ज़रब। तो देखें इस साइड को हल करना, तरीका सेम होना चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली चीज़ हल करनी है, तो ब्रैकेट पहले बी और सी को प्लस कर लिया, प्लस करके ये आंसर आ गया, और ए इंटू बी सी करना है,
तो फिर ज़ाहिर है ए को पहले लिख लिया और बी प्लस सी का जो आंसर है वो लिख लिया, फिर उसी तरह ज़रा पहली कतार अगला कॉलम, पहली कतार अगला कॉलम वो हम करते जाएंगे, ठीक है, और फिर आंसर ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड थी उसमें था ए बी और ए सी, तो ए और बी को ज़रब देनी है और ए और सी को ज़रब देनी है, ए बी पीछे ज़रब दिला चुके हैं तो ए सी रह गया, तो ए सी हम मैं यहाँ आपको ज़रब दिखा रहा हूँ करके, तो ये ए सी, ये उसकी ये ज़रब ज़रूब आके ये उसका आंसर आ गया ए सी का, और ए बी और ए सी को हमने प्लस करना था, ठीक है, तो हम ए बी प्लस ए सी और प्लस करके ये आंसर, तो ये वही है 8, 24 और 0, 0, 8, 24 और 0, 0 सेम है दोनों आंसर, हम कह देंगे अगेन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, और फिर मैंने हिला दिया कैमरा, ओके आगे चलें। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैंने लिखा तो है लेकिन मैंने हल नहीं किया क्योंकि ये सेम चीज़ है, बी प्लस सी कर लें पहले, ब्रैकेट ऑलवेज पहले हल करते हैं, उसको ए से ज़रा दिला दें, इस साइड पे आएंगे राइट हैंड साइड में, तो पहले बी ए, तो बी को शुरू में रखना है, ए को आगे रखना है, उससे ज़रा सी ए उसी तरह, और फिर दोनों साइडें इक्वल ले आनी है, आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया लेकिन ये भी वही है, प्लस माइनस और ज़रबे, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ब्रैकेट बी प्लस सी पहले हल करना है, वो बी प्लस सी हम कर रहे हैं, फिर बी माइनस सी करना है, फिर बी माइनस सी के बी में से सी को माइनस कराएं, प्लस माइनस तो आता है ना आपको, अब तो यार पीछे मैंने करवाया भी है, ठीक है, तो प्लस माइनस वही होता है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, जिस जिस पोजिशन का एलिमेंट होता है उसको उससे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, वो हमने किया हुआ, और जो दूसरी साइड है इसकी, सॉरी अभी हमने इनको मल्टीप्लाई भी करवाना है ना, क्योंकि b प्लस सी ये चीज़ और b माइनस सी ये चीज़ आपस में ज़रब खा रही हैं, तो हमने इन दोनों को आगे जाके ज़रब भी देनी है, ये देखें हम अब इनको ज़रब दे रहे हैं, लिख लिया उनको ज़रब दे दिला के आंसर ले लिया ये वाला 15, 5, 30 और 10, और दूसरी साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, तो वो मैंने आगे किया, पेज खराब हो गया था, ठीक यही था ना, हाँ ये चीज़ थी, ओके, तो आगे हमें चाहिए बी का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ी सी वो गड़बड़ कर गया पेपर बुक बनाने वाला कि अभी यहाँ आ गया बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर, हाँ नहीं 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 सही है सही है, सॉरी मुझे गलती लग गई है, क्योंकि स्क्वायर में भी तो ज़रा भी दिलाते हैं, तो बी को दो दफ़ा लिख लें, इधर बी लिखें आगे फिर बी लिखें, ठीक है, तो बी को बी से ज़रा दिला देंगे, तो ये फिर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया क्योंकि मैंने एक स्टेप नहीं किया, दो दो बार चार, एक दो बार दो, दो एक बार दो, एक चार बार चार, तो ये वही चीज़ है, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करके ना तो इसको समझना है, ज़रब दिलाना, तो जो पहला सवाल मैं कर रहा हूँ ना उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जब 2-3 दफ़ा वो प्रैक्टिस कर ली होगी ना तो इंशाल्लाह आपको सारा इजी लगेगा, क्योंकि सारी में ज़रबें ही हैं सारी, तो बी स्केयर निकाल लिया, फिर आपके सामने ये सी स्केयर है, सीज़ को दो दफ़ा लिख लिया, उनको ज़रब दिला दी, तो ये हमारा सी स्केयर आ गया, और फिर हमने बी स्केयर और सी स्केयर को माइनस कराना था, तो ये बी स्केयर ये सी स्केयर बीच में माइनस, तो ये माइनस करा के अल्टीमेट आंसर सेम नहीं आया, ठीक है, उसने यही कहा था कि सेम नहीं आएगा, तो ये देखें हम नीचे लिख देते हैं, भाई देख लो नहीं आ रहा सेम, एक जैसा नहीं आ रहा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आज एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं क्योंकि ये सब इसमें सारे में एक जैसा काम ही है, ज़रबें ज़रबें हैं सारी, तो इसमें आप देखें वो आखिरी वाला जो कानून था हमारे पास, बी सी और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, जब ये साइड हल करनी है तो पहले बी सी चाहिए, बी और सी को ज़रब देनी है, ये पीछे हम दे चुके हैं क्योंकि सवाल वही यूज़ चल रहा है सारा, तो बी सी का आंसर ये आया हुआ था, तो हमने इस बी सी का टी लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज यही था ना कि पहली कतार को पकड़ें और कॉलम बना दें, 2 और 6, 2 और 6 इधर को लिख दिया, 18 और 4 उसको इधर कॉलम की शक्ल में लिख दिया, अब दूसरी राइट हैंड साइड पे हमें सी का टी चाहिए, बी का टी चाहिए और फिर इनकी ज़रब है, तो हमने ये देखें टीज निकाले हैं, सी का टी इसके ऊपर टी लगाया और टी बना रहे हैं हम वही ट्रांसपोज के, इसको हमने कॉलम की शक्ल में, इसको हमने कॉलम की शक्ल में, बी के साथ भी वही प्रोसेस किया, अब ये दोनों जो आ गए हैं इन दोनों की ज़रब दिलानी है हमने सी टी बी टी, तो सी टी को पहले लिखना है, ये तरतीब बड़ी ज़रूरी है वरना आंसर गलत आएगा, अगर सी टी पहले है तो सी टी पहले होना चाहिए, ठीक है, फिर आगे बी टी होना चाहिए, तो फिर इनको आपस में ज़रब, तो ये सारे ज़रब दिला दिलू के ये फिर आ जाएगा नीचे और दोनों साइडें इक्वल आएंगी डेफिनेटली, ठीक है, सो ये हो जाएगा, 6 वाला भी हो गया, आगे चलते हैं जी। अच्छा ये भी ज़रब का है लेकिन छोटा सा एक ज़रा आइडिया ले लें, कहता है बी आई इज इक्वल टू बी, अब आई का मतलब क्या है, आई होता है आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, वहदानी कॉलम जिसे कहते हैं,
तो बी की शक्ल चूंकि ये 2x2 की है ना, तो आप 2x2 का उसके साथ वहदानी कालब या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो लिख लें 1001। और फिर वही बी आई का मतलब यही है कि आपने इनको ज़रब दिलानी है, तो जब ज़रब दिलाएंगे ना तो आपके सामने ही है कि ज़रब देने से उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बी पहले था वही बी आंसर आएगा, तो हम कहेंगे लो जी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने ये प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कि बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी बी, तो ये वही ज़रबें ही हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, ठीक है, ज़रबें देनी है आपने, पहले बी को पहले रख लेना है और सी आ गए, और इसमें आपने सी को पहले रख लेना है और बी आ गए, तो आंसर सेम नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये सवाल अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जिसमें से चीज़ें मालूम करनी होती हैं ना वो अहम होते हैं सवाल, तो ये अहम सवाल है कि ए और बी मालूम करें अगर ये कालब इस कालब से ज़रब खा रहा है और वो इसके बराबर है, ठीक है। अब ज़रब दिला के देख लेते हैं, 1 ज़रब बी 5 ज़रब 7 वो हमने लिखा, 3 ज़रब बी 1 ज़रब 7 वो हमने लिखा, ठीक है, बराबर इसके है, तो इनको हम ज़रब बी 1 ज़रब बी 5 7 बार 35 3 बी और 7 ए वो लिख लिया। अब देखें चूंकि वो बराबर है ना, तो पहला पहले के बराबर मसावात बन जाएगी, बी प्लस 35 बराबर 35, तो 35 उधर जाएगा तो 35 में से माइनस होगा तो 0 हो जाना है, तो बी का आंसर 0 आ जाएगा। और जो दूसरी मसावात है 3 बी और 7 ए वो 10 के बराबर, वो हमने लिख ली ये वाली, और चूंकि बी 0 है तो बी की जगह 0 पुट कर देंगे, ये पार्ट खत्म हो जाएगा और 7 इधर जाके तकसीम करेगा उधर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10/7, ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही है। हाँ, आगे दूसरी एक्सरसाइज, ठीक हो गया जी, चलें अगली एक्सरसाइज आ रही है अगली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 17 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया देखने का, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।